हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए मजर आज प्रजापति। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल का और एडसेंस का सीटीआर कैसे चेक कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, मुझे विश्वास है, गारंटी, कि उन लोगों को अभी सीटीआर चेक करना नहीं आता। सीटीआर चेक तो करते हैं, तो कुछ अदर तरीके से चेक करते हैं और वो उसको सीटीआर समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, सीटीआर को चेक करने का पूरा मेथड अलग है। आपको कैसे सीटीआर चेक करना है और सीटीआर कहाँ देखा जाता है, यूट्यूब का सीटीआर कहाँ होता है और एडसेंस का सीटीआर कहाँ होता है, दोनों के सीटीआर अलग अलग होते हैं, कहाँ से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, मैं आपको अभी लाइव करके दिखाने वाला हूँ। यूट्यूब का भी सीटीआर बताऊंगा और एडसेंस का भी सीटीआर दिखाने वाला हूँ कि आप दोनों का, एडसेंस का और यूट्यूब चैनल का सीटीआर कैसे देख सकते हो। क्योंकि सीटीआर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके यूट्यूब चैनल के लिए, कि अगर एडसेंस में 15% से ज़्यादा अगर एडसेंस का सीटीआर बढ़ जाता है तो एडसेंस डिसेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा यूट्यूब में बताया जाता है। लेकिन डरने की कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं और बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जिनको 20-20, 25-25% ऊपर चला जाता है लेकिन उनका एडसेंस डिसेबल नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई और होती है और नाम किसी और का आ जाता है, इसलिए वो बात की टेंशन लेनी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सीटीआर कैसे चेक किया जाता है और कहाँ से करना होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना है सिंपल, आपकी चैनल को लॉगिन करने के बाद आपको बीटा स्टूडियो का डैशबोर्ड आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप बीटा स्टूडियो का डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आप देखो मेरा यहाँ चैनल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ मैंने देखो हाईलाइट कर दिया अजराज प्रजापति। उसके बाद आप नीचे देखोगे डैशबोर्ड, वीडियोज, प्लेलिस्ट और उसके बाद लिखा होगा एनालिटिक्स, तो आपको एनालिटिक्स पर कर देना है क्लिक। जैसे एनालिटिक्स पर आप क्लिक करोगे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यूट्यूब का सीटीआर चेक करना दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको एडसेंस का दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं यूट्यूब का दिखाता हूँ। तो देखो, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड खुलेगा। उसका देखो ओवरव्यू लिखा है, रीच लिखा है, मैनेज एंगेजमेंट लिखा हुआ है, ऑडियंस लिखा है और रिवेन्यू लिखा है। तो आपको सेकंड नंबर पर आपको कर देना है क्लिक। रीच पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये जो लिख के आएगा, इंप्रेशन आपका 2.6 मिलियन यानी मेरा हो रहा है और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट हो रहा है 4.3, यानी ये आपका जो 4.3% दिख रहा है ये आपका यूट्यूब का सीटीआर हो गया। यहाँ से आप यूट्यूब का सीटीआर चेक कर सकते हो, लेकिन मेन चीज होती है आपका एडसेंस का सीटीआर कैसे देखना होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब का सीटीआर चेक करना, अब मैं आपको बताता हूं कि एडसेंस का कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने एडसेंस को कर लेता हूं लॉगिन। आप देख सकते हो मैंने अपने एडसेंस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे देखो, यहां मैंने साइड में देखो जो लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, एड्स लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे रिपोर्ट पर यहाँ क्लिक करना है। देखो रिपोर्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला डैशबोर्ड आएगा। फिर आपको दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा अनसेव्ड रिपोर्ट पर डिफॉल्ट रिपोर्ट लिखा है, तो आपको डिफॉल्ट रिपोर्ट पर कर देना है क्लिक। जैसे डिफॉल्ट रिपोर्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा न्यू। तो आपको देखो यहाँ फिल्टर लिखा होगा, फिल्टर के बगल में एक प्लस का प्लस और एड लिखा होगा, इस पर आपको करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा, तो प्रोडक्ट पर आपको करना है क्लिक। जैसे प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे नीचे आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा यूट्यूब होस्ट, इस पर कर देना है आपको टिक। टिक करने के बाद आपको कर देना है अप्लाई। जैसे अप्लाई करोगे तो आपके सामने यहां दूसरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, आप देख सकते हो कि दूसरा डैशबोर्ड खुल गया। उसके बाद आपको देखो ओवरव्यू लिखा हुआ है, क्लिक लिखा हुआ है, व्यूज लिखा हुआ है, एक्टिव व्यूज लिखा है, तो आपको क्या करना है, क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक सेकंड नंबर पर, इस पर कर देना है आपको क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो आपको फोर्थ नंबर पर ही आपको सीटीआर देखने को मिल जाएगा, 2.9% मेरा सीटीआर चल रहा है। और यही सीटीआर मेन होता है कि लोगों को बोलता है कि मेरा 15% से ऊपर चला गया, मेरा 10% से ऊपर चला गया तो मेरा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका अगर सीटीआर 3, 4, 5, 6 अगर इतना हो रहा है तो बेस्ट में बेस्ट, अगर 10 भी हो जाता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका सीटीआर बढ़ भी जाता है तो आपको जो स्किपेबल एड होती है आपको स्किपेबल एड बंद कर देनी है, तो आपका सीटीआर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से सीटीआर को चेक करना होता है। और बहुत से लोग कैसे सीटीआर को चेक करता है मैं आपको बताता हूं। यहां देखो मैं एडसेंस के होम पर चला जाता हूं, होम पर जाने के बाद वो लोग ये देखते हैं ये जो लिखा हुआ है सीटीआर पेज, तो बहुत से लोग क्या करते हैं सीटीआर पेज को यहां देखते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सीटीआर पेज नहीं होता, ये सीटीआर नहीं है, ये पेज का सीटीआर है। लेकिन हमको अपने यूट्यूब का सीटीआर देखना होता है कि हमारे एडसेंस जो एक्टिव है यूट्यूब के साथ उसका हमें सीटीआर देखना होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बताया इसी तरीके से आपको सीटीआर चेक करना होता है और कोई भी मेथड नहीं है। मुझे पता होगा आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल का सीटीआर कैसे चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीटीआर कैसे चेक किया जाता है और कहां से चेक किया जाता है, मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाके फुल स्क्रीन में आपको दिखा दिया है कि यहां से आप अपना सीटीआर को चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।